ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश हाँ तुरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहाँ पर हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी मन हर से दिन राती, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। भगवान ने जहाँ हमें रिश्तों नातों और मर्यादाओं के बंधन दिए हैं, वहीं मुक्ति के रास्ते भी दिखाए हैं। ये रास्ते सातवें आसमान की ऊंचाइयों से नहीं, यहीं इसी धरती से होकर गुजरते हैं। कहते हैं मानव जीवन में जो सबसे बड़ा पुण्य हासिल किया जा सकता है वो है चारों धाम की यात्रा का पुण्य। न इससे बड़ा कोई पुण्य है, न इससे महान कोई यात्रा। मैं अपनी भक्ति और आपकी भावनाएँ लेकर जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ के धाम श्री जगन्नाथपुरी को प्रणाम करती हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि अच्छे लोगों की तरन तारण, बुरे लोगों की विनाश और धर्म की स्थापना के लिए वो हर युग में अवतार लेंगे। कलयुग में श्री कृष्ण ने भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया और नीलांचल पर्वत पर बस गए। पर्वत तो समय के साथ भूमि में समा गया, लेकिन नीलांचल की धरती जगन्नाथपुरी के नाम से सदा सदा के लिए पूजनीय हो गई। आत्मा से परमात्मा की यात्रा श्रद्धा की जिस पथ पर चलकर पूरी होती है उसका सबसे पावन अंश है चार धाम, जहाँ चार अवतारों में भगवान विष्णु पूजे जाते हैं। श्री जगन्नाथपुरी एक ऐसा ही पावन धाम है जहाँ प्रभु जगन्नाथ के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं। पुराणों में वर्णन है कि एक बार श्री कृष्ण की पटरानियाँ माता रोहिणी से श्री कृष्ण भगवान और गोपियों की प्रेम कथाएं सुन रही थीं। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी उस समय वहाँ पे थीं, लेकिन उनका उस समय ये कहानियाँ सुनना उचित नहीं था। माता के आदेश पे वे दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसी समय श्री कृष्ण भगवान और उनके बड़े भाई बलराम वहाँ पर आ पहुँचे। सुभद्रा ने दोनों भाइयों को दरवाजे पर ही रोक लिया, लेकिन अंदर की आवाजें बाहर आती रहीं और तीनों वो अद्भुत प्रेम लीलाएं सुनते रहे। माता रोहिणी का वर्णन था ही कुछ ऐसा, वो तीनों प्रेम द्रवित हो उठे।
उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि इसी प्रेम द्रवित रूप में वो तीनों विराजमान हो। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वो कलयुग में सुभद्रा और बलभद्र के साथ श्री जगन्नाथ के नाम से दारु विग्रह यानी काठ की मूर्तियों में विराजमान होंगे। कलयुग के इस पावन धाम में राजा इंद्रदूम को काठ की शिला में दर्शन देकर भगवान जगन्नाथ नीलांचल की धरती पर बस गए। काठ की उस विशाल शिला से प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से रची थी। काल चक्र में चारों युगों का जितना महत्व है, तीर्थों में चार धाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये चार धाम चारों दिशाओं को पवित्र कर रहे हैं। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में जहां सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के धाम हैं, वहीं पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी कलयुग का अकेला धाम है। बद्रीनाथ में नारायण, द्वारका में कृष्ण और रामेश्वर में राम के नाम से भगवान विष्णु हर युग में पूजे गए हैं। कलयुग में इस परम शक्ति का रूप भगवान श्री जगन्नाथ हैं और जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान विष्णु का वास है। इसीलिए कलयुग में जगन्नाथ धाम से पावन कोई और धाम हो ही नहीं सकता। भक्ति का प्रेम बन जाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जिसे भगवान से प्यार हो गया हो, वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ गया, पवित्र हो गया। इसी श्रद्धा और प्रेम का दर्शन होता है बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ प्रभु के उस अलौकिक रूप में, जिसे प्रेम रूप कहा जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उड़ीसा की देवभूमि युगो युगो से भगवान विष्णु का धाम है। पुरी में जगन्नाथ के नाम से और भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव के नाम से उनका वास है। लेकिन इस विष्णु लोक में हरि के साथ हर यानी भगवान शिव भी लिंगराज के रूप में विराजमान है। हम भुवनेश्वर की हरिहर लिंग का दर्शन करेंगे। भारत वो देश है जिसके कण कण से देवत्व की सुगंध आती है। भारत भूमि देव भूमि है और उड़ीसा इस देव भूमि की हृदय स्थली है। यहाँ एक ओर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ विराजमान है तो दूसरी ओर तीनों लोकों के स्वामी श्री त्रिभुवनेश्वर का वास है। ईश्वर हर जगह है, जहाँ हमारी आंखें पहुंच पाती हैं वहाँ भी और जहाँ हम नहीं देख सकते वहाँ भी। लेकिन इस धरती पर एक तीर्थ ऐसा भी है जहाँ न सिर्फ देवों के देव महादेव का वास है बल्कि उन्होंने इस तीर्थ को स्वयं ही प्रकट किया था। सहस्रों मंदिरों की नगरी भुवनेश्वर, जहाँ तीनों लोकों के स्वामी भगवान त्रिभुवनेश्वर विराजमान है। मंदिरों की इस नगरी के मध्य में है बिंदु सरोवर, जिसकी चारों तरफ कभी 7,000 मंदिर हुआ करते थे। आज भी भुवनेश्वर के 500 मंदिरों में इसी पवित्र सरोवर का जल अर्पित होता है। बिंदु सरोवर में संसार के हर तीर्थ से जल की बूंदे लाकर डाली गई है। चारों धाम, सातों पुरी, सभी महातीर्थ और सभी पवित्र नदियों का जल इसके पानी को अमृत सा बनाता है। कहते हैं यहाँ स्नान करने वाले को सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। सृष्टि के 3.5 करोड़ तीर्थों का पुण्य सिमट कर बिंदु सरोवर में समा गया है। बिंदु सरोवर की जल का स्पर्श पृथ्वी, आकाश और पाताल के सारे तीर्थों को प्रणाम करने के समान है। कहते हैं माता पार्वती को प्यास लगने पर नंदी ने सारे तीर्थों से जल की बूंदे एकत्र कर इस बिंदु सरोवर की रचना की थी, जिसके स्पर्श और आचमन से ही कल्याण हो जाता है।
पुराणों में भुवनेश्वर का वर्णन एकाम क्षेत्र के नाम से किया गया है। कहते हैं काशी में सभी देवी देवताओं के बस जाने पर शंकर भगवान को एकांत में रहने की इच्छा हुई। कहते हैं एकाम क्षेत्र अपनी सुंदरता के कारण भगवान शिव को भा गया था। एकाम क्षेत्र पर उस समय भगवान अनंत वासुदेव का अधिकार था। भगवान शंकर ने उनसे कुछ समय यहाँ रहने की अनुमति मांगी। भगवान अनंत वासुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनसे आग्रह किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। शंकर भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और हमेशा हमेशा के लिए लिंगराज के रूप में यहीं बस गए। लिंगराज भगवान त्रिभुवनेश्वर का ही दूसरा नाम है और इनका वास यही श्री लिंगराज मंदिर में है। इस मंदिर का लिंग पूरी तरह शिवलिंग ना होकर हरिहर लिंग है, यानी कि इसका आधा भाग शिव का और आधा विष्णु का है। इस मंदिर की यही विशेषता इसे बाकी शिव मंदिरों से अलग करती है। दसवीं शताब्दी का लिंगराज मंदिर हजारों सालों की परंपराओं और आस्थाओं का प्रतीक है। उड़ीसा युगों युगों से शिव से जुड़ी मान्यताओं की धरती रही है और लिंगराज मंदिर की तो महिमा ऐसी है कि इस शिवालय के पत्थर भी शिव के गुण गाते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं को लिंग रूप में परिवर्तित किया और लिंगराज के नाम से इस धाम में विराजमान हो गए। कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा। तीनों लोकों में जिनकी कृपा से सुख शांति और समृद्धि है उन भगवान त्रिभुवनेश्वर को महाप्रसाद से भोग लगता है। लिंगराज मंदिर में भगवान शंकर के इस महाप्रसाद को ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। 56 भोगों का ये महाप्रसाद पूरी विधि विधान से तैयार किया जाता है और धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान लिंगराज को अर्पित होता है। श्री लिंगराज को भोग लगने वाले महाप्रसाद की महिमा बहुत ही निराली है। कहते हैं महाप्रसाद बड़े ही भाग्य से मिलता है। तीर्थ यात्रा के बाद भगवान का आशीर्वाद और दर्शन का पुण्य प्रसाद के रूप में साथ रह जाता है। भगवान त्रिभुवनेश्वर का प्रसाद उन भक्तों के लिए भी शिव का वरदान है जिन्हें इस देव भूमि के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता। कहते हैं जितने तीर्थों की धूल पांव में लगती है मनुष्य को स्वर्ग में उतना ही ऊंचा स्थान मिलता है। प्रभु के दर्शन के लिए कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कम है। सूरज से उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शंकर भगवान से उनका परिवार और उनके गण अलग नहीं रह सकते। लिंगराज के रूप में शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ यही विराजमान है। मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली हर शक्ति पूजनीय है, वो शिव के गण हो या स्वयं शिव। सिद्धि विनायक श्री गणेश को शिव का वरदान था कि देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी, इसलिए भगवान त्रिभुवनेश्वर की भक्त भी अपनी दर्शन यात्रा का श्री गणेश उनके दर्शन से ही करते हैं। महादेव शंकर
और माता पार्वती ने संसार के कल्याण के लिए गणेश जी को जन्म दिया। उमा सुतम शोक विनाश कारकम, यानी कि गणेश जी हर शोक का विनाश करते हैं। मैं अपनी और आप सबकी प्रार्थनाएं गणेश जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। भगवान शंकर का परिवार बहुत विशाल है। जहाँ एक ओर शिव के गण इस परिवार का अंश हैं, वहीं भूत और प्रेत इस अद्भुत परिवार की शोभा हैं। शंकर भगवान का परिवार उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय के बिना कैसे पूरा हो सकता है। कहते हैं श्री लिंगराज का दर्शन कार्तिकेय के दर्शन से और शुभ हो जाता है। भगवान शंकर के इस परिवार को अपनी ममता का अनमोल सुख देती हैं माता पार्वती। देवी पार्वती हर जन्म और हर युग में शंकर भगवान की पत्नी बनना चाहती थी। इस अटूट श्रद्धा का फल उन्हें मिला और वो शंकर भगवान की चिर संगिनी कहलाई। लिंगराज मंदिर में भी उनका वही स्थान है जो शंकर भगवान के जीवन में है। हिमालय सुताना, देवी पार्वती शिव की शक्ति हैं। वो लिंगराज मंदिर में भी भगवान शंकर के वाम अंग यानी बाई ओर विराजमान हैं और हर युग हर काल में शिव के साथ रहने का प्रण पूरा कर रही हैं। जब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और अंधियारा हर तरफ फैल जाता है, लिंगराज मंदिर की दिशाएं शिव भक्ति की ज्योत से जगमगा उठती हैं। यूं तो श्रद्धा की ये लौ कभी कम नहीं होती, लेकिन शिवरात्रि के दिन जब भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है, लिंगराज मंदिर का कण कण एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। लगता है जैसे सारी सृष्टि इस महामिलन की साक्षी है। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। शंकर भगवान में अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए लोग दिन भर उपवास रखते हैं और रात भर पूजा करते हैं। सब सारी रात चलता है। शिव भक्त दिया जलाकर उस पल की प्रतीक्षा करते हैं जब मंदिर के शिखर पर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य ज्योति का दर्शन जीवन का सबसे अमूल्य क्षण है।
कहते हैं सृष्टि के कण कण में शिव है। तीनों लोकों में जो भी दृश्य अदृश्य है सब शिव है। हमारी आपकी हम सबकी प्रार्थनाएं शंकर भगवान तक पहुंचे, इस विश्वास के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और पावन धाम की यात्रा में। नमस्कार। सब्सक्राइब माई YouTube चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।